ड्राइंग इंजीनियर हूँ। बेसिकली सिस्टम हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है जिसका एक AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम जो हमारे लाहौर टू सियालकोट मोटरवे पे एक स्मार्ट मोटरवे का कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ये स्क्रीन आपने देखा है, इसमें सबसे पहले आपको ये शो हो रहा है कि जो भी गाड़ी एंटर होगी मोटरवे के ऊपर उसकी नंबर प्लेट और जब वो एग्जिट होगी उस टाइम की नंबर प्लेट दोनों हमारे पास एक टाइम पे आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें एक गाड़ी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों मिल जाएंगे और प्लस हम उसके साथ उसका जो ऑटोमेटिक जो टोल कलेक्शन है वो उसकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। प्लस ये जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं इसमें हम वॉयलेशन डिटेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर हर साल के अंदर एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 20,000 जो लोग हैं उनकी डेथ होती है ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट और उसमें जो मोस्ट रीज़न है वो सीट बेल्ट नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट ओवर स्पीड मोबाइल फोन यूज़ ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से यहाँ पे हो रही है। अब ये देखें कि एक व्हीकल है जो ओवर स्पीड कर रही है और दिस इज़ ये उसका नंबर है यहाँ पे, ये अगर आप दिखा सकें यहाँ पे ये उसका नंबर है, ये 437 ये आपको नजर आ रहा होगा और प्लस ये ड्राइवर फेस है और प्लस जो है ना वो पैसेंजर फेस है। और ये जो गाड़ी है ये ओवर स्पीड है, इसकी कलर वाइट है, ब्रांड टोयोटा है और ये जिस लोकेशन पर ये सारा डाटा हमारे पास इस टाइम पे आ रहा है जी। प्लस इसके साथ अगर आप ये जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं ये बेसिकली हम M9 के ऊपर लाइव चल रहे हैं और ये हम व्हीकल का मेटा डाटा ले रहे हैं लाइक टाइप ऑफ व्हीकल कलर ऑफ द व्हीकल ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसका मकसद बेसिक मकसद ये है कि जब हमारे पास डाटा का जो साइज़ है वो बहुत हो जाता है तो हमें फिल्टर आउट करने में आसानी रहती है कि हमारे पास आज कितने हम कितनी गाड़ियाँ कितनी बसेज एंटर हुई हैं मोटरवे के ऊपर कितनी कार्स एंटर हुई हैं कितनी ट्राई साइकिल हुई हैं तो ये सारा डाटा हमारे पास उस चीज़ का आ रहा है। प्लस अगर हम जो हमारे पास एक एडवांस सीरीज में हम एडवांस अगर टेक्नोलॉजी में जाएँ तो हम नॉर्मली जो लॉ इन्फोर्समेंट के हैं उनके सबसे बड़ा इशू ये होता है कि गाड़ी अगर कराची से चोरी होगी तो मिल तो हैदराबाद से जाएगी बट वी डोंट नो कि हु स्टोल द कार। तो उसके लिए हमने ये किया कि ड्राइवर फेस के लिए आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर फेस है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं और अगर हमारे पास नेक्स्ट लेवल के ऊपर अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है कोई तस्वीर आती है तो हम इसको अपने डाटा के साथ मैच भी कर सकते हैं।